गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी, और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें आज हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जनरली तो हमने बचपन से इसको पढ़ रखा है। इनफैक्ट वाटर पोल्यूशन क्या, हमने सारे पोल्यूशंस को कवर कर ही लिया था, लेकिन वो बचपन में पढ़ा था तो बचपन के तरीके से ही पढ़ा था। आज पढ़ेंगे डीप में, डिटेल में, कि आखिर ये पोल्यूशन क्यों होता है, कहाँ कहाँ से होता है, सोर्सेस क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर। पानी में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो, या फिर हीट हो, जिसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है और पानी ऐसा हो जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। अगर हमने उस अनफिट वाटर को कंज्यूम किया तो हमारी हेल्थ पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। वाटर पॉल्यूशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर, बट इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू ग्राउंड वाटर, सी, ओशन। जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में तो बस इतना ही आता है जो हम पानी देख रहे हैं अपने सरफेस पर, चाहे वो रिवर में देख लें या फिर पॉन्ड में देख लें। तो आसपास जो पानी देख रहे हैं वो गंदा हो गया तो हम बोलते हैं भाई वाटर पॉल्यूशन हो गया। लेकिन वाटर पॉल्यूशन सिर्फ वहीं नहीं हुआ है, अब जो ग्राउंड वाटर है वहाँ तक भी पॉल्यूशन पहुँच गया है। जैसे कि कुछ फर्टिलाइजर्स वो सीप होकर कहाँ पहुँच गए, ग्राउंड में, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर उससे पोल्यूटेड हो गया है। केमिकल्स नीचे पहुँच चुके हैं, ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी नीचे पहुँच चुके हैं जो कि ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, राइट, जैसे कि आर्सेनिक। सी, ओशन, पैसिफिक ओशन में इतना बड़ा एक गार्बेज का पूरा आइलैंड बना जा रहा है, आपको पता ही होगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा वाटर पॉल्यूशन ही है। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में तो पता चल ही गया कि पानी की क्वालिटी ऐसी हो जाती है, इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बोल देते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो गया है। लेकिन बात ये होती है कि भाई ये हो क्यों रहा है, कौन से सोर्सेस हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, तब हमने थोड़ी सी एक झलक देखी थी इसकी, लेकिन आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर कौन से रिसोर्सेस, कौन से सोर्सेस हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दो सोर्सेस होते हैं, एक होते हैं पॉइंट सोर्सेस, दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस कौन से होते हैं? जो टू द पॉइंट, बिल्कुल जहाँ पर वाटर बॉडी है वहीं पर आप पोल्यूशन कर रहे हो। जैसे कि कोई रिवर है, वो बह रही है, उसके ही किनारे आप बैठ कर कपड़े धुलने लगे, आप नहाने लगे, शैम्पू का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे कोई साबुन का यूज़ कर रहा है, कोई शैम्पू का यूज़ कर रहा है, या फिर कोई और केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है तो उसमें डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, ब्लीच का यूज़ किया जा रहा है, राइट, या फिर कोई जानवर है वो उसमें घुस गए हैं, वो गंदा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पॉइंट सोर्सेस, मतलब जहाँ पर आपकी वाटर बॉडी है आप वहीं पर पॉल्यूट कर रहे हो, आप सामने से देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर ही पॉल्यूशन हो रहा है। नॉन पॉइंट क्या है? कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से ये पोल्यूशन हो जा रहा है। जहाँ पर वाटर बॉडी है वहाँ पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी किसी स्ट्रीम कहीं पर है, कोई ट्रिब्यूटरी है, कोई आसपास कोई अलग से कहीं से भी वो पोल्यूशन जो है वो आकर मिल जा रहा है वाटर बॉडी में, उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट, डिफ्यूज रहता है। अब बात ये आती है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमें दिख रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब दिख कौन सा रहा था? तो सामने से पॉल्यूशन होता हुआ हमें सिर्फ पॉइंट सोर्सेस में ही दिख रहा था। अब सामने ही कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा मत करो, पॉल्यूशन मत करो, हमारी वाटर बॉडी गंदी हो रही है, इससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। कुछ रूल्स बना सकते हो, कुछ रेगुलेशंस लगा सकते हो, फाइन्स इम्पोज कर सकते हो, राइट, इसकी वजह से जो पॉइंट सोर्स है वहाँ पर आप कंट्रोल कर लोगे वाटर पॉल्यूशन को। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि कहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ के जो सोर्सेस हैं उसको ट्रैक करना कि आखिर पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है, राइट। तो ये क्या रहता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रेगुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं
कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से आपका पोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहला है कम्युनिटी वेस्ट वाटर, जो आपके हाउस होल्ड से या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से कहीं से भी, जो पब्लिकली जो सीवेज है वहाँ से जो भी वेस्ट होता है वो क्या है, कम्युनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी वेस्ट आ रहा है वो भी पोल्यूशन फैला रहा है, तो एक ही सोर्स हो गया है, ठीक है। सीवेज में आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, एनिमल एक्सक्रीटा भी होता है, बचा हुआ खाना, खराब खाना, डिटर्जेंट्स, सोप, ठीक है। उसके बाद में आपका और आपके जो भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, वाटर में जाकर मिल जाते हैं, वाटर बॉडी में मिलकर उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा रहता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए पानी का यूज़ होता है। अब जो वो कूलिंग इफेक्ट के बाद में पानी बचा हुआ है, वो गर्म पानी होता है, वो तुरंत ही गरम गरम पानी ही वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मरीन लाइफ है, ठीक है, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, आपकी फिश हो गई और बाकी सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर बॉडी में मिलते हैं, उन सब पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जब गर्म पानी उनके ऊपर पड़ता है तो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते और अल्टीमेटली वो सब मर जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे भी वाटर पॉल्यूट होता है और हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी गड़बड़ हो जाता है सारा। दूसरा क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, कई में तो ऐसा होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिक जब सब्सटेंसेस होते हैं पानी में मिले हुए होते हैं, वो वेस्ट वाटर बॉडी में मिलता है, तो वाटर बॉडी क्या होती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट सोर्स है आपका एग्रीकल्चरल सोर्स, वही जो आप खेती करते हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, वहाँ से भी इनफैक्ट वो मेजर सोर्स है जहाँ से हमारी वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूट होती है। जैसे कि अब ये कैसे हो सकता है, देखो अब आजकल हम खेती कैसे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा ही फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ हम करे जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, राइट। अब वो केमिकल्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK पता ही होगा, राइट। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस फर्टिलाइजर में होते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है, सीप कर जाता है, जब उसमें आप इरिगेशन करते हो या फिर जब बारिश होती है तो जो आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं वो सॉइल के अंदर जाकर पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद में वो जाकर मिलते हैं ग्राउंड वाटर से, ग्राउंड वाटर से मिलते हैं जब लीचिंग होती है तो, और उसके बाद में क्या होता है, ग्राउंड वाटर से लीचिंग से मिल गए, या फिर क्या होता है जब आपका बारिश हो रही है तो वो जो पानी इकट्ठा होता है वो सब बहकर कहाँ जाएगा, वो जाता तो सिर्फ आपके रिवर्स, लेक्स, जो भी आसपास वाटर बॉडी होगी वहीं पर वो सारा पानी बहकर चला जाता है, रन ऑफ हो जाता है। तो क्या है कि आपका अगर सीप हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, नीचे जा रहा है पानी ग्राउंड वाटर में, तो भी फर्टिलाइजर्स नीचे जा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर आपका पॉल्यूटेड हो रहा है। अगर वो रन ऑफ हो रहा है, सरफेस रन ऑफ हो रहा है, तो वो जाकर वाटर बॉडी मिल रहा है, तो सरफेस पे जो भी पानी है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। किसी भी वे में देख लें पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, राइट। पेस्टिसाइड्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फंजीसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, नेमाटिसाइड्स हो गए, रोडेंटिसाइड्स हो गए, ये सारे जो साइड्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं भाई, ये सब कुछ है नहीं, फैंसी नाम है, लेकिन इन सब में क्या है, केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, राइट। तो वो टॉक्सिक केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे वाटर को पॉल्यूट ही करेंगे। दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स इसमें होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग नाम के आप देख रहे हो, ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको क्या याद रखना है, जिस्ट क्या है कि भाई बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं वो सब जाकर पानी में मिल जा रहे हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जब डिग्रेड भी नहीं हो रहे हैं, इनकी रेसिड्यू जो बची हुई है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम इनका रहता है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होते, इनको हम डिस्पोज नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं ये अल्टीमेटली वाटर को पॉल्यूटेड ही करते हैं। जो एनिमल एक्सक्रीटा है, राइट, पोल्ट्री फार्म से आपकी जो वेस्ट निकल कर आ रहा है, पिगरीज से निकल कर आ रहा है, स्लॉटर हाउसेस से निकल कर आ रहा है, ये सब जितना भी वेस्ट है अल्टीमेटली उनको मिलना होता है किसी भी वाटर बॉडी से।
अब जो भी वाटर बॉडी से वो जाकर मिलते हैं वो होती है पॉल्यूटेड। और ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी वाटर बॉडी हो अल्टीमेटली जाकर उस वो मिल जाती है आपके ओशन से। तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है इस पॉल्यूशन का? ओशंस पर। सो गाइस, यहाँ पर हमारा वाटर पॉल्यूशन जो टॉपिक है, जितना भी हमारी बुक में दे रखा है उतना हमने टोटल कवर कर दिया है। इसमें से ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें बस ना आपको याद रखने की सोर्सेस क्या हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है देन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे वाले जितने वीडियोस आएंगे वो सब आपको उन सब का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।